हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो खास है क्योंकि इंटेलिजी आइडिया के ऊपर फॉर लूप के बारे में डीप डिस्कशन करने वाले हैं। लूप कैसे चलता है, कितनी बार चलेगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कितनी चीजें उसमें लिखी जानी चाहिए, वेरिएबल्स क्या लूप के अंदर लिख सकते हैं, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से फाइल पे चलते हैं और यहां से न्यू पे आ जाते हैं और यहां से लेते हैं प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट हम लेने वाले हैं, तो ये नया प्रोजेक्ट लिया। अब इसका कुछ नाम मैं दे देता हूं, ठीक है? तो यहां पे इटरेटिव मैं नाम दे देता हूं, इटरेटिव ये नाम दे दिया और एंटर कर देते हैं, ठीक है? सिंपल एंटर कर देते हैं। और हम इसी विंडो के लिए ये कर रहे हैं, तो यहां पे दिस विंडो कर देते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आए हुए हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सोर्स फाइल मिलेगी, तो यहां पर जाकर के राइट क्लिक कीजिएगा और फिर न्यू जावा क्लास बना लीजिएगा। तो यहां पर न्यू जावा क्लास में सब नाम से या किसी भी नाम से आप जावा क्लास बना सकते हैं। लूप नाम से जावा क्लास बना लेते हैं, तो ये लूप नाम से जावा क्लास हमने बना लिया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, जो कि लिखते हैं आमतौर पर, तो ये लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? अब यहां पर आर्गुमेंट पास करेंगे, तो यहां पे लिखूंगा मैं स्ट्रिंग, ठीक है? और फिर लिखेंगे ए आर जी एस, तो ये लिख दिया। अब इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया, फिर क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट जो ओपन था उसको भी क्लोज कर दिया। यहां पर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया हमने। अब यहां पर हम यूज करने वाले हैं फॉर लूप, तो बहुत ध्यान से इत्मीनान से एक एक चीज को समझिएगा। जैसे यहां पर लिखा मैंने फॉर, अब ये पाइथन तो है नहीं, ये तो जावा है, तो यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे स्मॉल वाला। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हमने तो वेरिएबल ही नहीं बनाया, तो वेरिएबल हम यहां पर भी बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा इंट, इंट यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम बना रहे हैं। ए में रख देते हैं इनिशियली, इनिशियल स्टेज में रख देते हैं जीरो, यानी कि ए में इनिशियलाइज कर दिया हमने जीरो। आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है? यहां पर इसे टर्मिनेट कर दिया, ए इज लेस देन और इक्वल टू 5 कर दिया। एक कंडीशन दे दी हमने कि ए में रखी हुई वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 हो, ये हो गया। अब यहां पे वापिस से इसे टर्मिनेट किया। जब टर्मिनेट करेंगे तो फिर आएंगे, अब यहां पर ए प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट की बात करेंगे। अगर माइनस माइनस लिखते तो ये होता डिक्रीमेंट, और लूप की बॉडी तो कर्ली ब्रैकेट से बनती है, ये तो आपको पता है ही। तो यहां पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया, ठीक है? आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट प्रिंट, और डॉट नहीं लगाएंगे, केवल ln लिख देंगे ln, और यहां पर बिना कोई डबल एटेड कोट्स या सिंगल एटेड कोट्स दिए a को प्रिंट करा देंगे। तो ये a को प्रिंट करवा दिया हमने और यहां पर टर्मिनेट भी कर दिया। ये टर्मिनेट करने के बाद अभी मैं इसको रन नहीं करवाने वाला हूं, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि यहां पर होगा क्या। a में इनिशियलाइज है 0 और लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है और फिर इंक्रीमेंट कराया गया। चलिए आते हैं यहां पर और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, a में क्या इनिशियलाइज है। पहले इनिशियलाइज है 0, तो यहां पे मैंने लिख दिया 0, तो a में हो गया इनिशियलाइजेशन 0 का, ठीक है? यानी a में क्या वैल्यू रखी हुई है 0, और यहां पर क्या करता हूं a इज लेस देन, यानी देखिए a में क्या रखा हुआ है 0। अब यहां पर आपको मान के चलना है कि a में 0 है, आप इसको a नहीं रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कि a में क्या है 0 है, ठीक है? तो a में 0 है तो यहां पर लिखिए a यानी 0, तो यहां पे a ना लिख करके मैं 0 ही लिख दे रहा हूं। 0 इज लेस देन और इक्वल टू क्या दिया मैंने, 5 दिया, तो 5 दे दिया हमने। तो ये देखिए लूप पहली बार एक्सिक्यूट हुआ, तो ये तो कंडीशन ट्रू है ना, नहीं है ना, लेस देन तो है ना, 0 क्या है 5 से लेस है, तो फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहां पर आएगा 1 हो जाएगा, ये 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है? तो यहां पर भी कंडीशन ट्रू है तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है? फिर आते हैं, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, एक इंक्रीमेंट करना यानी यहां पर देखिए ये जो मैंने दिया है ना a प्लस प्लस, तो पहले इनिशियल स्टेज में a की वैल्यू 0 थी, ठीक है? फिर ये कंडीशन एक्सिक्यूट हुई, कंडीशन एक्सिक्यूट होने के बाद a की वैल्यू 1 बढ़ गई, तो 0 से हो गया 1। तो पहली बार लूप चला, फिर दूसरी बार चला, तो इसी तरीके से लूप चलाएंगे। अब देखिए अब यहां हो गया है 1, ठीक है? तो यहां पर भी कंडीशन ट्रू मिलेगी। अब फिर आते हैं, फिर यहां 2 लिखते हैं, यानी इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू क्या करेंगे 5, ठीक है? ध्यान दीजिएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी तो कंडीशन ट्रू है। फिर 3 हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर के, ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर क्या होगा, जैसे ही 5 होगा तो फिर भी ये कंडीशन ट्रू है, तो आगे बढ़ेगा।
फिर यहां पे 4 आएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू ही है, फॉल्स तो हुई नहीं है कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। तो फिर ये आगे बढ़ेगा और फिर एक बार और इंक्रीमेंट करेगा ये, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या ऐसा है भाई? ठीक है, लेस देन तो नहीं है ना, इक्वल टू भले है लेकिन लेस देन तो नहीं है। तो ये लूप कुल मिला के कितनी बार चला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार लूप चला और प्रिंट क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कोड विंडो पर, ये आ गए यहां पर आए और यहां से इसको रन करवा देते हैं। तो अभी आउटपुट में आप देखेंगे कि क्या आया हुआ है, ठीक है। अभी आप इनिशियल देखिए, यहां पर आउटपुट में क्या आया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, यहां पे 3 कर देता हूं, तब क्या होगा? देखिए चीजें वही हैं, सारी चीजें वही चीज वही अप्लाई होंगी और यहां पे 3 हो जाएगा तो 0, 1, 2, 3 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहां से फिर इसको रन करके दिखा देता हूं मैं क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 0, 1, 2, 3 तक प्रिंट हुआ, यानी 4 वैल्यूज प्रिंट हुई कुल मिला के। तो यही है फॉर लूप, इसी तरीके से काम करता है।